के सांसद डॉक्टर कन्हैया कुमार को जय भीम और राम सलाम पेश करता हूं। आज आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है और रैली के बदले जो रैला किया है, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि कन्हैया कुमार अब डॉक्टर कन्हैया कुमार नहीं, बेगूसराय के सांसद। और गिरिराज जी, आपको तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि कन्हैया के सामने चुनाव लड़ना है तो थोड़ा ठेठी बोलना सीख जाइए। कन्हैया के सामने चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक बा? तो हमारी ओर से बेगूसराय की धरती को, बेगूसराय के बुजुर्गों को और बेगूसराय की माता और बहनों को दिल से कहते हैं, हमारा गोर लगी। लोग हमको पूछ रहे हैं कि क्या कन्हैया जीतेगा। हमको लगता है कि अगली बार बिहार से हम चुनाव लड़ दिए तो हम भी जीत जाएंगे। इतना प्यार जनता को मिल रहा है, लेकिन आखिर में इतना बात कहेंगे साथियों, अरे आप जाइए ना, कन्हैया कुमार का जीतना यानी जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर एक नई राजनीति को जन्म देने की बात है। और साइड से जीते ना, उम्मीद है तमाम लोग जोश और जज्बे के साथ जो रैली में हिस्सा लिए हैं, वो पार्टी के तमाम लोग आने वाले सारे दिन के दौरान 12, 14, 16 घंटा काम करके कन्हैया कुमार को जिताएंगे और दिल्ली पहुंचाएंगे। और साथियों, आप कभी इंजर दिनकर जी की धरती से इस बात की कल्पना कीजिए कि जिस दिन डॉक्टर कन्हैया कुमार दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठकर मोदी जी की फिरकी लेते होंगे, उस दिन का नजारा कैसा होगा। तो साथियों, आप सभी आज ही से लग जाए, हर एक घर में जाए, हर एक कोने में जाइए और मां बहनों का आशीर्वाद लीजिए, कन्हैया के लीजिए। कन्हैया को जिताएंगे, दिल्ली पहुंचाइए और कन्हैया के साथ जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, वो कन्हैया का अपमान नहीं, बेगूसराय और बिहार की धरती का अपमान है। और आखिर में इस बात की स्पष्टता भी करेंगे कि कुछ लोगों ने और गिरिराज जी ने भी ट्वीट किया था कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ गुजरात में जो दुर्व्यवहार हुआ, उस वक्त हार्दिक पटेल और हम थे जिन्होंने उस बात की निंदा की और कहा कि यूपी और बिहार के मजदूरों का गुजरात में कल भी स्वागत था, आज भी स्वागत है और आने वाले दिनों में भी स्वागत रहेगा। लेकिन गिरिराज और मोदी और अमित शाह इस मामले में खामोश रहे, तो इस बात का जवाब इस चुनाव में आपको देना पड़ेगा और कन्हैया कुमार को जिताना पड़ेगा। जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।